नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं पाठ 8वां कोशिका। हमने पिछले वीडियो के अंदर अभ्यास शुरू किया था कोशिका का भाग और एक भाग किया था कोशिका झिल्ली, यानी कि हमारा जो टॉपिक का प्रकरण वो प्रकरण है कोशिका के भाग। कोशिका के मुख्य भाग तीन भाग, कोशिका झिल्ली, केंद्र और कोशिका द्रव्य। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कोशिका भाग में हमने किया था पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण पाया जाता है, उस आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों के अंतर्गत क्या कार्य करती है उनका हमने कार्य करना था। कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य कोशिका झिल्ली का क्या कार्य करता है। कोशिका झिल्ली वो जंतु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है। पादप कोशिका में पादप कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य करता है पादप कोशिकाओं की सुरक्षा करना और पादप कोशिकाओं को निश्चित आकृति प्रदान करना और पादप कोशिका को सुरक्षा सुरक्षा व पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, निश्चित आकार प्रदान करना प्रदान करना यह होता है पादप कोशिका। अब यहां एक उद्देश्य है पादप कोशिका की सुरक्षा। सुरक्षा किससे चाहिए पादप कोशिका? तो देखिए तापमान परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय नमी, वर्षा, तेज गति से चलने वाली वायु, इन विभिन्न प्रकार के ये जो परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों से पादप कोशिका की सुरक्षा करते हैं हमारे वहां करते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि इन परिवर्तनों से पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं, तो पादप कोशिकाओं को तापमान परिवर्तन परिवर्तन तेज गति से चलने वाली हवा, तेज गति से चलने वाली हवा तेज गति से चलने वाली हवा और वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से चलने वाली हवा जा रहे हैं वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इत्यादि वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और ये सुरक्षा वह प्रदान करती है, तो ये सुरक्षा है वो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि पादप में पेड़ पौधे वो चल नहीं सकते, लेकिन इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका मुख्यतः सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो किया जाता है ये कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। अगला हम यहाँ पढ़ते हैं, ये हमारा एक पार्ट था कोशिका झिल्ली। दूसरा कोशिका का भाग है वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य दूसरा कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पाया जाने वाला जैली समान पदार्थ, ये जैली समान पदार्थ कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य केंद्र के मध्य
श्रीमती पाया जाने वाला, पाया जाने वाला जली समानता, जली समानता, जली समानता इस प्रकार हम क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य में पाया। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इन कोशिका के अंग इनको हम कहते हैं कोशिकांग कहते हैं, हम कहते हैं कोशिकांग। कौन कौन से कोशिकांग हैं ये, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और हम गोलकार, गोलकार हम छठी में पढ़ दिया, हमने छठी पढ़ा होगा कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सभी कोशिका के अंग कहलाते हैं। और ये सभी कोशिका के अंग कहाँ पाए जाते हैं तो ये सभी कोशिका के अंग कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। तीसरा विभाग क्या है इनका हम कुछ कक्षों में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान रखना, इसी कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। जो तीसरा अंग है वो तीसरा अंग है केंद्र, केंद्र हमें पता है कोशिका ने संरचना बनाई है, कोशिका कोशिका की मध्य एक गोलाकार संरचना पाई जाती है इसी को हम कहते हैं केंद्र। सगल गोलाकार संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं केंद्र। इस केंद्र के चारों ओर इस पाई जाने वाली झिल्ली को भी हम कहते हैं केंद्र झिल्ली या केंद्र का आवरण, उसको कहते हैं केंद्र का आवरण कहते हैं। केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को केंद्र का आवरण या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये केंद्र दूसरा ये झिल्ली भी सरल, ये सरल का अर्थ है यह यानी कि यह मुख्य इसका कार्य इस बात को पाए जाते हैं आपको कोशिका द्रव्य और केंद्र में पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं हम केंद्र द्रव्य, केंद्र केंद्र द्रव्य। और बात यहाँ पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य व केंद्र द्रव्य के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थ का परिमेय का कार्य और कुछ होता है तो इस केंद्र का आवरण या केंद्र द्रव्य से होता है। केंद्र द्रव्य के द्वारा केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के परिवहन को जिम्मे कौन करते हैं तो ये परिवहन का कार्य करते हैं तो केंद्र द्रव्य करते हैं। ये केंद्र द्रव्य इसके आधार पर हम अगले वीडियो के अंतर्गत केंद्र के बारे में विस्तृत